हे एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एक लार्ज कैप कैटेगरी से होगा एंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी से होगा। सो इन बिजनेसेस पे आपको ट्रैक रखना है, इन स्टॉक्स को आपको आपके वॉच लिस्ट पे रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक जहाँ पर आपको ध्यान देना है, दैट इज़ HDFC बैंक। हम कुछ क्रक्स की बात करते हैं, क्यों मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं एंड आगे काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो रीटेल लोन ग्रोथ है, यहाँ पर रिवाइवल एक्सपेक्टेड है। जैसे कि FY21 तक HDFC का अगर आप देखोगे, कॉरपोरेट एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ था एंड देयर वाज सॉफ्टनेस इन रीटेल लेंडिंग। लेकिन अभी बैंक ने रीटेल लोन्स को काफ़ी अच्छा पिकअप किया है एंड रीसेंट क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं कि रीटेल लोन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। और यहाँ पे मैनेजमेंट ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आने वाली ग्रोथ आपको ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से दिखेगी एंड न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग से दिखेगी। HDFC बैंक ने एक्चुअली न्यू बिजनेस सेगमेंट लाया है, दैट इज़ कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग। सो दिस इज़ बेसिकली द नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखोगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट मोर देन 25% ये सेगमेंट ग्रो हुआ है एंड थर्ड क्वार्टर दैट इज़ Q3 FY22 में कमर्शियल एंड रूरल लोन्स जो थे ऑलमोस्ट 30% ईयर ऑन ईयर से ग्रोथ हुए, जबकि जो कॉरपोरेट बुक है विच इज़ अगेन लो यील्ड कॉरपोरेट बुक, वो मॉडरेट हो गया ऑलमोस्ट 7% ईयर ऑन ईयर से। अगर आप इनका NII ग्रोथ देखोगे ना, वहाँ पे भी स्लगिशनेस था क्योंकि रीटेल लोन्स में इतनी ग्रोथ नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि रीटेल लोन्स में ग्रोथ पिकअप हुई है, यहाँ पर NII ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। सो यहाँ पे जैसे जैसे रीटेल लोन्स में पिकअप होगा, वैसे वैसे जो इनका मार्जिन है या NII है, वहाँ पे भी आपको पिकअप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़े एलिवेटेड आपको फ्यूचर में दिख सकते हैं क्योंकि बैंक काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड एक डिजिटल कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप कर रहा है विच विल अगेन फर्दर एक्सपैंड द बिजनेस। सो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी के वजह से यहाँ पर ओपेक्स एलिवेटेड हो सकता है नियर टर्म में, बट धीरे धीरे ये मॉडरेट होते जाएगा। यहाँ पर कंपनी काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव्स कर रहा है, तो अगेन रूरल डिजिटल इनिशिएटिव्स कंपनी ने शुरू किया है एंड ग्राम पंचायत लेवल्स पे भी बैंक काफ़ी हद तक अपनी बैंकिंग सर्विसेज पहुँचा चुका है। और अभी रीसेंट न्यूज़ आपने देखी कि RBI ने फाइनली सारे बैन लिफ्ट कर दिए ऑन HDFC बैंक, इंक्लूडिंग न्यू डिजिटल लॉन्चेस। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव्स आएंगे, डिजिटल इनिशिएटिव्स आएंगे एंड जो भी लॉस हुआ है HDFC को इस पीरियड में, क्रेडिट कार्ड इश्यूज़ हो गए या जो डिजिटल इनिशिएटिव्स के इश्यूज़ हो गए, अब HDFC इन चीज़ों पर काफ़ी अग्रेसिवली प्ले करेगा। ऑफकोर्स वी होप कि HDFC काफ़ी अग्रेसिवली यहाँ पर प्ले आउट करेगा। सो जो क्रेडिट कार्ड इश्यूज़ में इश्यूज़ हुए थे या जो डिजिटल लॉन्चेस में जो इश्यूज़ हुए थे, डिजिटल इनिशिएटिव्स में जो इश्यूज़ हुए थे, अब वो चीज़ें ठीक होंगी, अब बैंक काफ़ी अग्रेसिवली बिहेव करेगा। एंड ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि रीटेल लोन ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगी, उससे आपको मार्जिन्स में भी फ़र्क लगेगा एंड जो इनका कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग में जो ये लोग ने इनिशिएटिव लिया है, वहाँ पर जो ये लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए इस स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। स्पेशली यहाँ पे आपको बिजनेस पे बहुत ध्यान देना है, ट्रैक करना है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जो उस पीरियड में जो लॉसेस हुए हैं, उसके बाद जो एग्रेसिवनेस दिखाया जा रहा है, क्या वो एग्रेसिवनेस प्ले आउट होगा, एक ये चीज़। फिर रिटेल लोन की जो बात की जा रही है, वहाँ पर जो ग्रोथ होने वाली है, क्या वो चीज़ें प्ले आउट होंगी। जो चीज़ें इन लोगों ने, ये लोग कह रहे हैं इंटरव्यूज़ में, मैनेजमेंट जो कह रही है, वो चीज़ें क्या प्ले आउट होगी, इसके वजह से आपको इसको इस बिज़नेस पे ट्रैक रखना है। तो इस बिज़नेस पे ट्रैक रखिए एंड स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो आपके वॉच लिस्ट पे रखना है, दैट इज़ फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। अब इसके ऊपर मैंने अगेन डिटेल वीडियो बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो ये जो कंपनी है, अगर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ, तो ये एक्चुअली ओलियो केमिकल्स एंड न्यूट्रासिटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में है।
तो यहाँ पे अगर आप इनके ओलियोकेमिकल प्रोडक्ट्स देखोगे तो दैट इंक्लूड्स डाइमर एसिड, लिनोलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड मोनोमर एसिड एंड न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स में मिक्सड टोकोफेरॉल्स एंड स्टेरॉल कॉन्सेंट्रेट. सो विटामिन ई अगर आपने सुना होगा, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन रिलेशन विद ग्लोबल पीयर्स यहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है काफ़ी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है. अब यहाँ पे इनका रेवेन्यू में फॉल हुआ है ऑन क्वार्टर बेसिस, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली इनके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने इनके जो प्राइम प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीदे नहीं इन एंटिसिपेशन की जो रेलेवेंट कमोडिटी प्राइसेस है वो करेक्ट होंगे. सो यहाँ पर फ्रेश बाइंग रिड्यूस थी एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस आप देख रहे हो कि काफ़ी वोलेटाइल है. सो इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे वहाँ पर काफ़ी गिरावट हुई है. इसका रीज़न ये है कि जो इंक्रीज इन रॉ मटेरियल था प्लस फ्यूल, ये ऑलमोस्ट नियरली 80% अकाउंट किया फॉर द डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट. कंपनी नॉर्मली रॉ मटेरियल प्राइस पास ऑन कर देती है, बट यू नो दिस बीइंग B2B सेगमेंट, ये B2B बिजनेस में है. सो ऐसे केस में यहाँ पर एकदम से रॉ मटेरियल प्राइस पास ऑन करना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है. इसके वजह से भी इनको जो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट थे इनको खुद ही एब्जॉर्व करने पड़े. अब यहाँ पर टू टू थ्री ईयर्स यहाँ पर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट इनके रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे. तो FY21 में इनका ऑलमोस्ट 396 करोड़ का रेवेन्यू था. सो दैट विल इंक्रीज बाई 2.5 टाइम्स इन 2 to 3 years. तो ये अगर ये टारगेट पूरा होता है तो काफ़ी अच्छे एबिटडा नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं. सो रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिला एंड इस कंपनी पे, इस बिजनेस पे आपको ट्रैक रखना है. प्लस इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा. सो ये दो स्टॉक्स थे जो आपको आपके वॉच लिस्ट पे रखना है. इन बिजनेसेस को ज़रूर ट्रैक कीजिएगा. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. जय हिंद एंड नमस्ते.